नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मनी प्लांट गार्डन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फ्रेंड्स बात करने वाली हूँ जो कि विंटर का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, फ्लॉक्स के बारे में। और फ्लॉक्स के जो कलर वैरायटीज़ आते हैं बहुत ही डिफरेंस होते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने एक ही पॉट में कई पौधे लगा दिए थे, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो प्लांट होता है बहुत ही छोटे साइज़ में होते हैं और इनके रूट्स मतलब बहुत ही कम होती है, ज़्यादा नहीं तो एक या दो या तीन इंच की होती है। जिनको किसी भी पॉट में लगा तो ईजिली लग जाता है, तो मैंने इनको 6 इंच के पॉट में लगाया हुआ है। और देखिए ये जो तीन जो वाइट कलर में फ्लॉक्स लगे हुए, एक ये वाला है, एक ये है और एक ये। देखिए तीन कलर, तीन के सेट्स अलग हैं, पेटल भी अलग हैं। तो और जो ये पिंक में है, डार्क पिंक, लाइट पिंक, मैंने 5-6 कलर का एक ही में लगा दिया है। और ये बंचेस में इस तरीके से खिलते हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, एक गुलदस्ते से लगता है। तो मैंने इसीलिए एक ही पॉट में लगाया हुआ है ताकि जब एक साथ खिलें तो खूबसूरत लगे, इस तरीके से कुछ दिखता है। तो अभी कुछ मतलब अभी खिल रहे हैं, कुछ खिल चुके हैं और इसमें बीज भी बनना शुरू हो गए हैं। तो ये बीज से ही ग्रो किए जाते हैं फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यही है। इसमें फ्लावरिंग जब होती है उसके बाद में बीज बनना शुरू हो जाते हैं। मुझे ये वाला कलर तो बहुत खूबसूरत लगा है। और बीज से ही ग्रो करते हैं तो इनके बीज में कलेक्ट करके रख लूँगी, जब हार्वेस्ट करूँगी तो वीडियो भी शेयर कर दूँगी। और एक ये वाला है जो कि डार्क पिंक है, पेटल भी आप देख सकते हो। तो मैं फ्लॉक्स की बात करूँ तो फ्रेंड्स ये विंटर में बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं। उनकी सीडलिंग जो होती है नवंबर में कर दी जाती है, उससे पहले भी हम कर सकते हैं, ताकि इस टाइम पे जब स्प्रिंग सीजन होता है तभी ये सारे फ्लावर ब्लूम करते हैं। तो स्प्रिंग सीजन जैसे स्टार्ट होता है वैसे सारे ब्लूम करना शुरू कर देते हैं, छोटे हो या बड़े हों, जैसे भी ये होते हैं लेकिन ब्लूम होना शुरू कर देते हैं। तो अभी बहुत अच्छे से ब्लूम हो रहा है, साथ में अब ब्लूम होने के साथ साथ सीड भी बन रहे। देखिए इस तरीके से जो फूल खिल चुके हैं फ्रेंड्स उसी में सीड बन रहे हैं, इस तरीके से छोटे छोटे से मतलब रहते हैं। तो अभी अच्छे से पक जाएंगे तब हार्वेस्ट करूँगी, क्योंकि अभी ये कच्चे हैं, अगर इस अभी मैं तोड़ लूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, ख़राब हो जाएंगे। और मैं लगाने की बात करूँ फ्रेंड्स, जो मैंने मिट्टी ली हुई है वे मिट्टी मैंने बिल्कुल वेल ड्रेन ही बनाई है। और जब मैंने विंटर प्लांट के लिए मैंने मिट्टी तैयार करी थी फ्रेंड्स, तो वही मिट्टी मैंने सारे प्लांट में यूज करी है, जिसमें मैंने कंपोस्ट और सैंड सोयल, गार्डन सोयल, राइस हस्क था और गोबर की खाद ही सारे ऐड करके मैंने बनाए थे। तो सारे जितने विंटर प्लांट्स उसी में मैंने यूज़ किया था, तो उसको भी इसी में यूज़ किया है मैंने। तो वेल्ड्रेन मिट्टी हमेशा हमारे पॉट के लिए चाहिए होती है, कोई भी प्लांट हो, विंटर प्लांट के लिए ज़्यादातर। और फ्रेंड्स देखिए इस तरीके में कितने खूबसूरत लग रहे हैं, तीन कलर में है, पेटल भी थोड़ा सा अलग है। तो अब मैं धूप की अगर मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स इनको धूप जो होती है बिल्कुल ठंडी वाली धूप चाहिए पूरी, लेकिन अभी क्या है ना स्प्रिंग सीजन में धूप तेज़ होने लगती है, तो जितनी इनको धूप मिलेगी उतनी जल्दी प्लांट हमारे जो फ्लावर होते हैं ख़राब होते हैं। तो इनको अगर 2 या 3 घंटे की जो मॉर्निंग की धूप है या पार्शियल धूप मिल जाती है तो अच्छे से 4 या 5 दिन तक तो इनके फ्लावर बने ही रहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स बंचे में अगर इस तरीके से खिलेंगे वो कुछ दिन बने रहेंगे तभी अच्छा लगेगा। और तो उसको ना सीढ़ी पैलेस पे रख दो, या फिर पार्शियल धूप मिल सके या मॉर्निंग की धूप मिल सके, अगर पूरे दिन की धूप इनको मिलेगी तो ख़राब जल्दी हो जाएंगे। और वैसे तो ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं होते हैं, जैसे गर्मी स्टार्ट होती है सारे प्लांट विंटर वाले ख़त्म हो जाते हैं, कुछ ही होते हैं जो कि पूरे साल चलते हैं। लेकिन जैसे फ्लॉक्स हो गया और हमारे एस्टर के प्लांट होते हैं, ये सब सिर्फ 2 या 3 महीने के ही मेहमान होते हैं। और फ्रेंड्स मैंने जब से ये प्लांट लगाया है, मैंने ये जो प्लांट लगाया मैंने नवंबर में ही लगाया है, तो उसी टाइम पे मैंने जो इनको फर्टिलाइज़र मिट्टी बनाते समय डाली थी वही है, उसके बाद मैंने इनको फर्टिलाइज नहीं किया है। बट जब भी होता है मैं इनको पानी सिर्फ दे देती हूँ टाइम से, क्योंकि फ्रेंड्स गर्मी तेज़ होने लगी है, अगर हम ज़रा सा भी लेट लपाट करते हैं पानी देने में तो पौधे जल्दी सूखने लगते हैं। तो पानी हमेशा देख कर दीजिएगा किस में पॉट में हमारे मिट्टी में नमी है या नहीं है, बस यही छोटी छोटी सी बातें फ्रेंड्स। अगर ध्यान रखते हैं तो आपके जो फ्लॉक्स के प्लांट है विंटर सीजन में बहुत अच्छे से ब्लूम करेंगे। सो फ्रेंड आज के लिए मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।